वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब जी का प्रकाश उत्सव है। समुचे सिख जगत को जिथे मैं उन्होंने प्रकाश उत्सव की बधाई दिता, उत्थे मैं उन्होंने जीवन से जो झात मार रहा सा, एक बहुत ही हर गुरु साहबान तो देख सीख मिले है। पर हर गोबिंद साहब ने भी अपने जीवन काल के बहुत कुछ सीखने को दिता। जे सब तो वड्डी गल करिए वो है श्री अकाल तख्त साहब। उन्होंने दिल्ली के तख्त बराबर सड़क उच्चा तख्त श्री अकाल तख्त साहब बनाया, और जिस तरह राजे महाराजे बड़े ठाट न रेंदे सन, उस तो बाद ठाट बाट न गुरु गोबिंद साहब रेंदे सन। कलगी जानी बाज भी रखना, और उन्होंने कोल घोड़े भी बहुत बेहतरीन घोड़े जोड़े सिंह सन उन्होंने दे के जाते सन। उस तो बाद दूसरी गल मैं देखता कि जब जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब न ग्वाले के किले च कैद किया, तो काफ़ी देर रहने तो बाद उसनों महसूस होया। इतिहास में यह भी जिक्र आता कि शायद साईं मियां मीर ने फिर जहांगीर ने कहा, तू इतनी वड्डी शख्सियत को पैगंबर को कैद रखा तेरे वास्ते ठीक नहीं है। तो फिर जहांगीर ने छेवें पातशाह दे रिहाई दे हुक्म दिता है। पर जेड़े उन्हां दे नाल राजे कैद सन ग्वालियर दे किले दे विच, छेवें पातशाह ने कहा भी जब तक ये सारे बार नहीं आणगे तद तक मैं इस जेल चों नहीं निकलांगा। जहांगीर ने यह गल कही भी तुसी कुड़ता जिन्या तुहाडे कोने हैगे उन्ने राजे बाहर आ जाण। तो सच्चे पातशाह ने 52 कलियां दा कुड़ता सवाया, तो वह उन्होंने 52 कोने पकड़ के सारे राजे बाहर आए। और अज ग्वालियर के किले की दर्शन करने वास्ते हजारों की तादाद संगत जा रही। दूसरी गल मेरी देखनी चाहिए कि हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब तो बाद पहले से गुरु सन जिन्होंने बाहर प्रचार दे लई निकले। अमृतसर तो चल के सारा जम्मू कश्मीर, उस तो बाद जड़ा कश्मीर हुण पाकिस्तान विच उत्थे गए, उत्तों फिर कलर तो होंदे हुए पंजाब आए, उत्थे भी महाराज जी याद विच गुरद्वारा है। श्रीनगर और पूरे कश्मीर दे विच घट्टो घट एक दर्जन उन्हां दी याद गुरद्वारे ने। पुलवामा विच भी गुरद्वारा है, श्रीनगर भी है, हर जगह ते। और उस तो बाद ननकाणा साहब जाके इन्होंने ननकाणा साहब की धरती दे भी अपने चरण पाए सन। मैं समझा कि जेड़ी देन श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने दिती है ये अपने आप में एक लामसाल है। आज मैंने आज गल बड़ी पुरानी हैगी, जर 77 दे विच जनता पार्टी बनी सी, तो 80 विच टुटण दे कगार ते आ गई सी। तो चंद्र शेखर उस वक्त भी अकालियां विच भी आपस में तो फरका पिया सी, पर अकाल तख्त दे उस वक्त दे जथेदार ने जथेदार साधु सिंह भोरा ने अकालियां एकता करवाई सी।
ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਾਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਦ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।